ओके मेरे बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर टू, एंड द चैप्टर इज मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज। So this is the name of the chapter, Metals and Reactivity Series. Okay. So before starting this chapter, my dear, in detail, let me draw some atoms up here. I'm going to draw a few atoms up here. So let's suppose this is atom A, this is B, this is C, this is D, and this one is E. So these are the five different atoms. So now what I'm going to do, I'm going to draw their valence shell electrons. Valence shell electrons mean that if A is there, its valence shell is just 8 electrons. B is there, its valence shell is 5 electrons represented. Now you can understand. C is there, its valence shell is 4 electrons presented. ई के वैलेंस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ई के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। दीज आर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, हर एटम जो है उसमें डिफरेंट शेल्स मौजूद होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और लास्ट शेल। लास्ट शेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वैलेंस शेल, उसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो ये मैंने इनके वैलेंस शेल के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, फर्स्ट सेकंड जो भी है वो मैंने नहीं बनाया। अब ये डिफरेंट एटम्स को देख के पेपर में अक्सर एक तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि इसमें से क्या चीज मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखो कि हर वो चीज, हर वो एटम विच हैव 1, 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, यानी उसके आखिरी शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, याद रखो कि हर वो चीज जो है वो आपकी मेटल होती है। सो इफ यू लुक अप हियर, सो दिस वन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो दैट इज द मेटल, ये आपकी मेटल है। ठीक है, अगर इसके वैलेंस शेल में जो है मेरे बच्चों, लेट्स सपोज ये 5 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नॉन मेटल। 4 इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन मेटल, 3 इलेक्ट्रॉन मेटल। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, कीप रिमेंबर, किसी भी एटम के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो याद रखो कि हर वो एटम जो है वो मेटल होता है। ठीक है, तो ये मेटल की पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। ये मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी है कि आपको अगर कोई भी एटम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें से कौन सी चीज मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है, तो माय डियर द आंसर इज वेरी सिंपल। आप लोग उसका आखिरी शेल देखें, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, अगर आखिरी शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मेटल है, और अगर आखिरी शेल के अंदर जो है वो 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो चीज आपकी नॉन मेटल होती है। यहां तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज की तरफ मूव करते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, आप इसको थोड़ा गौर से देखिएगा सारे बच्चे, प्लीज जस्ट फोकस ऑन अप हियर। ये देखिए जी, ये मेटल और नॉन मेटल को हम लोग यहां से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे,
सो दिस इज ग्रुप वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, सिक्स, सेवन. यहाँ पे ये हीलियम होता है और ये ग्रुप एट या जीरो होता है जी. और यहाँ पे आपकी इस तरीके से दो जो है वो लाइनें लगती होती है और उसमें एलिमेंट होते हैं. मेरे बच्चों याद रखो कि जो ग्रुप थ्री है उसके एक एलिमेंट के नीचे आप लोग इस तरह लाइन लगाते हैं. ग्रुप फोर के दो एलिमेंट्स के नीचे आप लोग इस तरीके से लाइन लगा रहे, इस तरह लाइन लगा रहे लाइक दैट. ग्रुप फाइव के थ्री एलिमेंट्स जो है उनके नीचे आप लोग इस तरह लाइन लगा रहे. और ग्रुप सिक्स के चार एलिमेंट्स इनके नीचे आप लोग इस तरह लाइन लगा रहे. इन सब लाइनों को आप लोग आपस में ज्वाइन कर दें इस तरीके से. सो यू विल गेट अ स्क्वायर केस, ये एक सीढ़ी बन जाएगी. ये सीढ़ी है देखो इस तरह करके, ये सीढ़ी, इस सीढ़ी के नीचे मेरे बच्चों के जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एज मेटल्स. और इस सीढ़ी के ऊपर ये वाले जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं इनको हम कहते हैं जी नॉन मेटल्स. ठीक है जी. अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एंड यू पीपल शुड आस्क मी दिस थिंग. हमने पहली बात क्या की है कि मेटल की पहचान करने का तरीका क्या होता है कि हर एटम के आखिरी शेल को देखें. अगर आखिरी शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो चीज मेटल है. ये तो पहली पहचान हो गई. अगर आखिरी शेल में फोर, फाइव, सिक्स, सेवन या एट इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल है. ये मैंने पहली बात कर दी है. अब आते हैं यहां पे. ये देखिए जी, ये ग्रुप नंबर है. ग्रुप नंबर जिस चीज को शो करता है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को. ग्रुप नंबर वन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ग्रुप नंबर टू के जो एलिमेंट्स है इनके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. ग्रुप थ्री के तीन है, ग्रुप फोर के पांच है, चार है, ग्रुप फाइव के पांच इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप सिक्स के सिक्स इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में. ठीक है. तो मेरी प्यारी और बहादुर बच्चों, अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आ गई. प्रॉब्लम क्या है वो सुने. ये देखेंगे ग्रुप फोर का एलिमेंट, ग्रुप फोर है, ग्रुप फोर के जो एलिमेंट है इनके आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन है और ये देखेंगे ये मेटल है. ग्रुप फाइव के ये वाले एलिमेंट है, ये इनके आखिरी शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है और ये भी मेटल है. ग्रुप सिक्स है, इसके आखिरी शेल में छह इलेक्ट्रॉन है और ये भी मेटल है. तो भाई ये क्या फिर काम हुआ जी. हम पहले कह रहे हैं जी आखिरी शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो तो मेटल है, वो तो बात समझ में आती है. लेकिन ये देखें ग्रुप फोर है तो इसके आखिरी शेल में तो चार इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, क्योंकि ग्रुप नंबर तो शो करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को. ग्रुप फाइव के आखिरी शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, ये भी मेटल है नाम यहाँ पे. ग्रुप सिक्स वाली चीज भी मेटल बन रही है. तो यहाँ पे मेरे बच्चों मेटल की सेकेंड रिकॉग्निशन स्टार्ट होती है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में फोर, फाइव या सिक्स इलेक्ट्रॉन्स भी हो, इफ इट हैज द कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म प्लस वन, प्लस टू एंड प्लस थ्री आयन. सो कीप रिमेंबर दैट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द मेटल एज वेल. ओके. यानी अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में चार, पांच या छह इलेक्ट्रॉन भी हैं, अगर उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके प्लस वन, प्लस टू और प्लस थ्री आयन बना दे. ठीक है. यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, दो करे या तीन करे और प्लस वन, प्लस टू और प्लस थ्री आयन बना दे, तो वो चीज भी मेरे बच्चों मेटल होती है. ठीक है. तो मेटल की सेकेंड डेफिनेशन क्या होती है कि मेटल्स हैव the tendency to lose electrons and forms plus one, plus two and plus three ions. Okay.
तो मेटल की दो पहचान होती है मेरे प्यारे बच्चों। पहली पहचान क्या होती है कि आप लोगों ने आखिरी शेल में देखने हैं, इफ द लास्ट शेल कंटेन वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन तो वो तो मेटल है ही है। उसके बाद जिनके वैलेंस शेल में चार पांच या छह इलेक्ट्रॉन है, इफ दोस एटम्स हैव द कैपेसिटी और एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री लाइन, तो वो चीज भी आपकी जो है वो मेटल होती है। ठीक है, तो ये मेटल की दो रिकॉग्निशन है। ठीक है, कि एक तो वैलेंस शेल को देख के बता दो एक दो और तीन इलेक्ट्रॉन है तो मेटल है। दूसरी पहचान क्या है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके ऊपर प्लस वन चार्ज आता है, प्लस टू आता है या प्लस थ्री चार्ज आता है, तो वो चीज भी आपकी मेटल होती है। ठीक है, अच्छा जी अगली चीज पे चलते हैं। दिस इज द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि टोटल 120 डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं जी, 120 डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इस 120 डिफरेंट एलिमेंट्स में से ठीक है तकरीबन 70% एलिमेंट वो मेटल्स हैं। देखिए ज्यादातर एलिमेंट्स मेटल्स हैं, यानी 84 जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है ये वाले ये नॉन मेटल। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए। इन पीरियोडिक टेबल 70 एलिमेंट्स बिलो स्फीयर केस are metals and 70% of elements in periodic table are metals. Dusri cheez dikhne in periodic table एलिमेंट्स अबव स्टेयरकेस, यानी जो स्टेयरकेस से ऊपर मौजूद है, ये स्टेयरकेस है मेरे बच्चों, दिस इज द स्टेयरकेस। इसके नीचे वाले ये सारे एलिमेंट्स ये वाले ये मेटल्स हैं, और इसके ऊपर वाले ये जितने भी एलिमेंट्स हैं और दीज आर नॉन मेटल। ठीक है जी, तो इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स अबव स्टेयरकेस के पेपर में ही पीरियोडिक टेबल आपको गिवन होता है। आप लोग सारे बच्चे अपने पास एक एक पीरियोडिक टेबल जो है वो अपने पास रखा करो, हर वक्त पेपर में आपको ये प्रोवाइड करते हैं, आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये साथ मिलता है आपको। ठीक है जी, सो इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स अबव स्टेयरकेस आर नॉन मेटल्स। ठीक है जी, अच्छा जी अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मेरे बच्चों, एवरीबॉडी शुड लिसन इट। ये देखिए जी, ये आपकी स्टेयर केस बनी हुई है, ये स्टेयर केस के बिल्कुल जो साथ जुड़े हुए एलिमेंट है ऊपर और नीचे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट जो स्टेयर केस से बिल्कुल साथ ऊपर और नीचे मौजूद है, इन एलिमेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब ये होता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी लेट्स सपोज एक चीज है वो रूम टेम्परेचर पे जो है वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही, उसका टेम्परेचर आप कर देते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देती है। तो मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स माय डियर व्हिच शोस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसी तरीके से एक चीज है वो प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, आप उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये चीजें जो है उनके लिए मेटलॉइड का वर्ड जो है वो यूज करते हैं मेरे बच्चों, उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट चीज मेटलॉइड्स, इसको लिखने एलिमेंट्स अटैच विद स्टेयरकेस आर
मेटलॉइड्स एंड दीज एलिमेंट्स शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है जी, तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं मेरे बच्चों जो स्ट्रेट बेस के साथ एलिमेंट्स जॉइन है, एंड दीज एलिमेंट्स माय डियर दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करने होते हैं। तो अभी तक हमने कितनी बातें की हैं, सुनने चार बातें की हैं। पहली चीज मैंने क्या बताया, इफ यू टेक एनी एटम उसका वैलेंस शेल आखिरी शेल देखिए, अगर उसके आखिरी शेल में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चीज मेटल है। दूसरी मैंने प्रॉपर्टी ये बताई है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में चार पांच छह सात या आठ इलेक्ट्रॉन हो तो वो नॉर्मली नॉन मेटल होती है, लेकिन अगर उसके अंदर कैपेसिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री आए तो वो चीज भी मेटल बन सकती है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में ये स्क्वायर केस बनाते हैं, सीरीज ऐसे बनाते हैं, ग्रुप थ्री के एक एलिमेंट के नीचे लाइन लगा दो, ग्रुप फोर के दो, इसके तीन, इसके चार, इन सब लाइनों को ज्वाइन कर दो तो यू विल गेट अ स्क्वायर केस। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं और 70% एलिमेंट्स मेटल हैं। इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं और 30% एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल के वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो दुनिया में मेटल ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, 30 and 14। ठीक है जी, उसके बाद मेटलॉइड्स होते हैं, ये जो स्टेयर केस के बिल्कुल सात एलिमेंट्स जॉइन हुए हुए हैं, दीज आर मेटलॉइड्स एंड दीज एलिमेंट्स दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। एवरीवन गॉट इट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैन आई हैव दिस वन? एक मिनट सर जी, जी कर दो जी सर, काटते हैं। Okay, madam. This was the introduction of this chapter. Yes, chapter का थोड़ा सा intro था, इससे related question intro से काफी आ जाते हैं paper में, ठीक है, MCQs में और normal questions में भी। Now we are going to start with the first topic of this chapter, that is actually the reactivity series. रिएक्टिविटी सीरीज के मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी एंड द लास्ट वन दैट इज सिल्वर। के को पढ़ते हैं पोटेशियम, एनए को पढ़ते हैं मेरे बच्चों सोडियम, सीए को पढ़ते हैं कैल्शियम, Mg को पढ़ते हैं मैग्नीशियम, Al को पढ़ते हैं जी एल्यूमिनियम, Zn को पढ़ते हैं जिंक, Fe को पढ़ते हैं आयरन, Pb को पढ़ते हैं लेड, H को पढ़ते हैं हाइड्रोजन, Cu को पढ़ते हैं कॉपर, देन Hg को पढ़ते हैं मर्करी एंड ए जी को पढ़ते हैं जी सिल्वर। ठीक है जी, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसके एलिमेंट्स हैं एंड दिस इक्वल्स कुड नॉट बी चेंज, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप भूल गए हो तो जिंक को ऊपर कर दो, मैग्नीशियम को नीचे कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सीक्वेंस यही रहेगा और इस सीक्वेंस में कुछ इजाफी चीजें मैं बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम के बिल्कुल नीचे आपकी फेस जो है वो कार्बन की होती है जिसको सी से डिनोट करते हैं। आयरन जो है इसके नीचे निकल, Ni और टिन Sn इसकी फेस होती है,
और सिल्वर के बिल्कुल नीचे जो है वो गोल्ड होता है जिसको एयू कहते हैं, और प्लैटिनम होता है ठीक है जी जिसको पीटी कहते हैं। तो इनकी सिर्फ प्लेस आपको याद रखे, रिएक्टिविटी सीरीज में इन चीजों को लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकी प्लेस याद रखने के कहां पे है। अब इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सबको मेरे बच्चों, ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है दैट इज आप समझ लें कि इट्स अ देसी मैथड, यानी सिंपलेस्ट मैथड है, और वो मैथड क्या है एवरीबॉडी जस्ट लिसन। हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे ये जो एलिमेंट्स हैं इनको ज्वाइन करके बड़ा अजीबो गरीब सा कोई लफ्ज बन जाएगा, आपको वो याद कर लें तो उससे आपको इसका सीक्वेंस याद हो जाएगा। लाइक काला कुमक एल्जन पेपर अक्कू हगार, अजीब सा वर्ड है लेकिन सीक्वेंस याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये अजीबो गरीब सा लग रहा है, यू आर अनएबल टू लर्न इट, तो इसके लिए मैं एक और आपको बता देता हूँ, ये लाइन याद कर लें, प्लीज सेंड कैट्स मंकीज एंड ज़ेब्रास इन लॉक हायर केजेस मेक ठीक है जी। तो इसमें देखिए जी, अब ये जो P है इसका मतलब पोटेशियम है, S ये सोडियम है, C दैट इज कैल्शियम, M दैट इज मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, Z ज़ेब्रास, N ये आयरन, लॉक this is lead, higher that is for hydrogen, and then cages that is for copper, may this is for mercury, and sure that is for silver। तो ये लाइन अगर आपको याद हो गई तो फिर भी सीक्वेंस आपको याद हो जाता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको सीक्वेंस तो याद हो जाएगा लेकिन फिर सोचना पड़ेगा यार पोटेशियम का सिंबल क्या है, के होता है, सोडियम का Na सिंबल होता है, कैल्शियम का सी ए होता है। तो मेरे बच्चों ये सीक्वेंस सारा आपको लर्न होना चाहिए, इसको लर्न कर ले, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, अगर ऊपर नीचे कर दिया तो सारा रिएक्टिविटी सीरीज सारे क्वेश्चन आप लोगों के बर्बाद हो जाने हैं। आपने इसको एक तो लर्न करना है, और दूसरी चीज इनके ऊपर चार्जेस होते हैं उनको भी लर्न कर लीजिएगा। पोटेशियम पे प्लस वन होता है, सोडियम पे प्लस वन, कैल्शियम पे प्लस टू, मैग्नीशियम के प्लस टू, एल्यूमिनियम के प्लस थ्री, जिंक पे प्लस टू, इस पे प्लस टू, प्लस टू, प्लस वन, प्लस टू, प्लस वन, और ये भी प्लस वन। तो इनके चार्जेस भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार इन्होंने जो है वो इस्तेमाल होने हैं ठीक है। यू शुड नो द चार्जेस एंड यू शुड नो द सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स वुड रिमेन एज इट इज, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे जो है वो रहेंगे। एवरीवन गॉट इट गाइस? चलिए जी मैं इसको रफ कर रहा हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसको रफ करते बच्चों, दिख लिया सबने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव यू डन इट? यस सर, थैंक यू। Okay, my dear students, now we are going to start with the reaction with water. हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी एंड द लास्ट वन दैट इज सिल्वर। ये आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है मेरे बच्चों। ये रिएक्टिविटी सीरीज में याद रखें कि जो ऊपर वाली चीजें होती हैं दे आर मोर रिएक्टिव, ऊपर वाली चीजें ज्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे की तरफ आप मूव करते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, तो नीचे चीजें लेस रिएक्टिव होती हैं ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है
दैट इज एक्चुअली पोटेशियम, जो पोटेशियम होती है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी एंड लास्ट वन दैट इज सिल्वर। ये आप लोगों ने जो है वो पूरे का पूरा जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज का ये आपको लर्न होना चाहिए कि मोर रिएक्टिव है नीचे आते हुए चीजें लेस रिएक्टिव हो जाती है। हम लोग करने जा रहे हैं अपनी इनके रिएक्शन विद वॉटर, पानी के साथ जो है ये कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है जी। सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बहादुर बच्चों इसको गौर से देखिएगा, ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये तीन मैटर्स हैं एंड दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का मतलब केमिस्ट्री में टैप वाटर होता है, नलके का जो पानी होता है ये वो होता है। कोल्ड वाटर का मतलब ये नहीं है कि फ्रिज से ठंडा पानी निकालो, बल्कि कोल्ड वाटर केमिस्ट्री में टर्म जो है वो यूज होती है टैप वाटर के लिए जी। सो व्हाट यू हैव टू डू माय डियर, यू हैव टू पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये दोनों के दोनों जो है वो ठंडे पानी के साथ इजिली रिएक्शन कर जाती है, और जब ये ठंडे पानी से रिएक्ट करेगी, याद रखो जब भी कोई चीज ठंडे पानी से कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगी तो उसके रिजल्ट में हमेशा दो चीजें बनती हैं, एक तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और दूसरी चीज आपकी बनती है जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीजें जो है ये आपकी बन सकती हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें जी हम लोग की रिएक्शन करने जा रहे हैं, सबसे पहले पोटेशियम का रिएक्शन करते हैं जी वाटर के साथ। वाटर जो है इसका फॉर्मूला होता है H2O, वाटर को हम लोग HOH करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लगाना है इसलिए हाइड्रोक्साइड को हम लोग इस तरह सेपरेट करके लिख देते हैं, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन करवाना होता है मेरे प्यारे बच्चों, यू पीपल शुड नो द बैलेंसेस, तुम लोगों को बैलेंसेस आनी चाहिए। मैंने आपको आप लोगों ने क्या करना है, ये काम रफ्तार में करना है, इक्वेशन में नहीं करना। ये देखें ये पोटेशियम यहाँ पे लिखते हैं, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है प्लस वन, तो प्लस वन लिखते हैं। उसके बाद ये एच और ओ एच है, H के ऊपर चार्ज प्लस वन होता है, OH के ऊपर चार्ज माइनस वन होता है। तो जब भी कोई रिएक्शन आप लोगों ने करवाना है मेरे बच्चों, तो एक चीज के पॉजिटिव को दूसरी चीज के नेगेटिव के साथ हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव ये आपस में ज्वाइन कर दें, तो ये बनेगा K प्लस वन OH नेगेटिव वन। आप ध्यान से सुनते चलेगा, प्लस और माइनस ये दोनों चीजें कट जाती है, ये वन और वन सेम है ये भी कट गए, तो फॉर्मूला बन गया KOH। सपोज करें, सपोज अगर इस तरह होता, ये सपोज कर रहा हूं मैं समझाने के लिए, अगर K के ऊपर चार्ज प्लस वन OH के ऊपर माइनस टू होता, माइनस टू ठीक है जी, तो फिर क्या होना था, प्लस और माइनस कट जाता। अब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, वन और टू ये नहीं कर सकती थी, तो ये जो दो लिखा हुआ है ये इसके नीचे लिख देना था आप लोगों ने K2, और ये 1 को इसके साथ लिख देना था, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं होती, ना भी लिखो तो K2OH बन जाना था। ये मैंने सपोज किया है, इट्स नॉट, ये इनकरेक्ट है पहले बता दो, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अगर एक बार देखें K प्लस 1 होता या प्लस 3 होता सपोज करें, और OH नेगेटिव 1 होता, तो ये प्लस माइनस कट गया, ये दोनों सेम नहीं है डिफरेंट है, तो ये थ्री इसके नीचे लिख दो, तो ये बन जाना था OH, दोनों कैपिटल अगर पढ़ दो तो ब्रैकेट डाल के थ्री लिखो, और ये वन इसके साथ लिखना था, तो K के साथ वन, वन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो फॉर्मूला बन जाना था KOH3। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी मैंने सपोज किया है, मैं पहले बता रहा हूँ, इट्स नॉट, मतलब ये वैसे ही, क्योंकि K की वैलेंसी ही मेरे बच्चों प्लस वन होती है, तो ये क्या बन गया KOH बन गया, तो यहां पे लिखते हैं KOH, ठीक है जी। अब आगे देखें, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन होना चाहता है, लेकिन इसका नेगेटिव है ही कौन सी, जब कोई नहीं है तो ये अकेला रह जाएगा H, H अकेला जब रह जाएगा तो वो H2 बना देगा। तो यहां पे देखिए
मेटल हाइड्रोक्साइड बन गई, यानी मेटल के साथ OH लग गया और साथ H2 बन गया। इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए टू लगाते तो ये बैलेंस हो जाएगी। ये मैंने क्यों टू टू लगाया उसकी मैं वजह बताता हूँ। ये देखिए, ये H, ये OH को K के साथ लग गया, ये H को मैंने टू कर दिया। जब इसको टू किया इधर भी टू करो तो OH भी दो हो गए, इधर भी टू करो OH दो हो गए तो K भी दो हो गए, इसको इधर भी टू कर दो, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो। एवरीवन गॉट इट गाइस? इसी तरीके से मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, आप लोगों ने सोडियम का रिएक्शन भी करना है इसके साथ, वाटर के साथ। इसका भी तरीका वही है, सोडियम की वैलेंसी भी प्लस वन होती है। तो ये देखिए, सोडियम प्लस वन, वाटर का H प्लस वन होता है और OH माइनस वन होता है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ज्वाइन होते हैं तो वही चीज बन जाएगी, NaOH प्लस एच टू। इसको भी बैलेंस करना है तो इस तरह लिखो। अगला आगे कैल्शियम प्लस एच ओ एच। अब कैल्शियम के ऊपर मेरे बच्चों चार्ज होता है प्लस टू और OH पे होता है माइनस वन, ठीक है जी। पहले इसका रिएक्शन करवाते हैं, एच प्लस वन OH माइनस वन। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जॉइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सी ए ओ एच ट्वाइस, क्योंकि ये टू इसके नीचे लिखा जाएगा वन इसके नीचे, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है। OH के साथ आप लोग टू लिखेंगे तो दोनों कैपिटल वर्ड है तो ब्रैकेट लगा के टू लिखें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ये अकेला एच बचा है तो ये एच टू बन जाएगा। जब इसको टू करोगे इधर भी टू कर दो, OH दो हो गए तो OH पहले से दो है, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी। तो मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, कीप रिमेंबर दैट पोटेशियम, सोडियम and calcium, these are the three elements in the reactivity series which can react with the cold water, जिनका ठंडे पानी के साथ सिर्फ reaction होता है। और याद रखो कि जब भी कोई metal ठंडे पानी से react करेगा तो वो हमेशा metal hydroxide, उसके साथ हमेशा hydroxide बनेगा और साथ hydrogen gas बनेगा। Everybody got it? अब यहाँ पे इसी चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहा हूँ क्योंकि पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको ये चीजें थोड़ी सी बताई थी लेकिन दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का पिछला भी कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा पक्का हो जाए। अच्छा जी, गौर से देखिएगा, ये दो जो एलिमेंट है पोटेशियम एंड सोडियम, ये ग्रुप वन के एलिमेंट है। और याद करो मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में बताया था कि ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होती हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा लेस डेंस होती हैं, लाइटर होती हैं। उनको पानी के अंदर डालिए तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं। तो ये पानी के ऊपर दोनों फ्लोट करेंगी, फ्लोट और वॉटर। ये कैल्शियम जो है मेरे प्यारे बहादुर बच्चों, दिस इज फ्रॉम ग्रुप टू, और ये पानी के अंदर सिंक कर जाती है, सिंक्स इन वॉटर। तो ये पानी में जो है वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है जी। अब पेपर में अगर आपको ये सपोज करें कि ये दो बीकर सीए में, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो है वो उसने पानी डाला हुआ है, वॉटर डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको पोटेशियम या सोडियम देता है तो वो पानी के ऊपर इस तरह फ्लोट करती होगी, ये इस तरह करती है, और कैल्शियम देगा तो वो पानी के अंदर डूबी होगी और उसमें से बबल बन गए होंगे। ये पानी तो ऊपर फ्लोट करती होगी और साइडों से बबल बन गए होंगे। और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी ये बताया था कि पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट टू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स विद वॉटर। तो उसकी मैंने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भी आपको दिखाई थी कि पोटेशियम एंड सोडियम बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, मेल्ट्स इनटू सिल्वरी बॉल, darts about the surface of water violently and produces the bubbles of gas. The question भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि what you observe when potassium or sodium reacts with water. तो इसका आंसर मैंने क्या बताया था, सबसे पहला कि it bursts into flames. ग्रुप वन की मैटर को जैसे ही आप पानी में डालेंगे ये बहुत रिएक्टिव होती है, तो इसमें से क्या होगा, धमाके होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी, शोले निकलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा,
melts into silvery ball. यानी अगर आपने मेटल जो है वो इस तरह की ली थी स्फीयर, उसको पानी में डाला इस तरह होते तो ये मेल्ट होके एक बॉल बन जाएगी सिल्वर कलर का, ठीक है जी। यही लिखा हुआ है मेल्ट्स इन टू सिल्वरी बॉल। अगला देखें डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर वायलेंटली, यानी पानी की सरफेस के ऊपर वो जो गोल होगा वो इस तरीके से रोल करता हुआ कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, इसको कहते हैं डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर वायलेंटली। और आखिरी चीज एंड प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ गैस, साथ आपके गैस के बबल्स बनते हैं, वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। हमें लगती है तो पेपर में अगर कोई मेटल पानी पे तैर रही हो और एक डूबी हो और दोनों में बबल्स बन रहे हो तो जो डूबी होगी वो आपकी हमेशा कैल्शियम होगी और जो फ्लोट कर रही होगी वो पोटेशियम और सोडियम होगी। ये पेपर पे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है बच्चों। इसकी आगे तफसील जो है वो इंशाल्लाह हम लोग कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, इसको कल आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे बाकी रिएक्शन, ठीक है जी। और इसको प्लीज साथ साथ लर्न करते जाइएगा, मेटल्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जिसको समझे तुम खास तौर पे तुम कर दो, यहाँ से तुम समझो कि तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल और ये दूसरा है, तुम्हें भी को फोकस करो, बाकी पिछले तुम्हारे यहाँ पक्के हो जाएंगे बाद में जब तुम्हें ये होगी, ओके। लेकिन अब इनको तुमने जो है वो अच्छे तरीके से करते जाना है। इमान उस्मान एंड खदीजा यू आर डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट्स व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू? यस सर। ओके दैट्स फाइन इमान, एंड व्हाट अबाउट उस्मान एंड खदीजा? यस सर। ओके दैट्स फाइन बेटा, इसको जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आप लोगों ने सिर्फ नोट्स लर्न करने हैं, नो नीड टू ओपन एनी बुक। बुक खोलोगे तो दिमाग खराब होगा, मैं आप लोगों को 15 डिफरेंट किताबों के जो नोट्स हैं ना वो लिखवा रहा हूँ, इन नोट्स को बस लर्न कर लो और पास पेपर आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं, टॉपिकल आप लोग ले लो, टॉपिकल से P1 और P2 जो है वो सॉल्व कर लिया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस टाइम।